अब आप लोगों का सेकंड यूनिट है जनरल इलेक्टिव सोशियोलॉजी का, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इसका सेकंड यूनिट में सबसे पहले है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट पहले मैंने किया है कि डेफिनेशन कैसी है और किस किस स्कॉलर ने क्या क्या कहा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, उसके बाद कि काज क्या है अनएम्प्लॉयमेंट में और जनरली इंडिया में मैक्सिमम काजेज क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के, उसके बाद टाइप्स क्या है, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, साइक्लिक, वॉलंटरली, कैजुअल, सीजनल, टेक्नोलॉजिकल, डिसगस्टेड और क्रॉनिकल, दीज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। उसके बाद इन अनएम्प्लॉयमेंट जितना भी हो रहा है आजकल उसका रीज़न क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम, फॉर एग्जांपल ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसके बाद पुअर्टी है, या उसके बाद अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है, उसके बाद इम्प्रॉपर प्लानिंग है, ये जो फैक्टर्स है ये इम्पैक्ट करते हैं अनएम्प्लॉयड को, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हैं, या इवन फ्लोरिशिंग ऑफ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उसकी वजह से, या इम्प्रॉपर प्लानिंग इन कॉलेजेस। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, पर्टिकुलर फोकस है सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन पे, बाकी फ्रेंच है लेकिन पढ़ाते नहीं है, या जर्मन है पढ़ाते नहीं है, हिंदी है, पर्शियन है, अरबिक है, उन सब्जेक्ट्स पे हम ध्यान नहीं देते, उसकी वजह से हमारा परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। उसके बाद मैंने रिमेडियल मेजर्स और उसके लास्ट में मैंने दे दिया आपको टचिंग 20 ऑब्जेक्टिव्स इस यूनिट के, ताकि आप लोगों का जो एग्जाम है वो अच्छे से आप क्वालिफाई कर पाओ। अब है सबसे पहले आप लोगों का सेकंड यूनिट है अनएम्प्लॉयमेंट और फीचर्स क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट उस टर्म को कहते हैं जिसमें पढ़े लिखे लोग जॉब की तलाश में हो, जॉब को पाने के लिए उनको तलाश हो उसकी, उसको कहते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालते हैं, हम टोटल नंबर ऑफ़ पीपल देखते हैं, वर्क फोर्स कितना है, उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड यूथ से, उससे निकलता है आप लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये सबसे बिगेस्ट इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और अनएम्प्लॉयमेंट की है इकोनॉमिक इंडिकेटर भी है ये, और वर्कफोर्स के लिए ये डेवलपमेंट भी है, और जो रिटायर लोग होते हैं वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाते हैं, ना ही हायर एजुकेशन और ना ही जो लोग डिसेबल है। अनएम्प्लॉयमेंट हम मेजर कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, हर एक हाउस होल्ड को जितने भी 12 साल के ऊपर के एज के हैं उनको ले लेते हैं और वो पढ़े लिखे हैं उससे हम निकालते हैं। उसके अलावा हम 15 ईयर से पहले जो बंदा होगा 14 ईयर्स 13 ईयर्स, उसको कोई भी कानून नहीं देता है एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम है जॉबलेसनेस, और ACPIJA ने क्या कहा, अनएम्प्लॉयमेंट उस चीज़ को कहते हैं जिसमें लो मतलब जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको विलिंग होगी काम करने के लिए लेकिन उनको जॉब नहीं मिलता है, उसी को कहते हैं, उसने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए, ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क नॉट एबल टू फाइंड जॉब इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो है अनएम्प्लॉयमेंट वो मेजर क्लासिफाई किया गया इनटू 9 टाइप, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल, साइक्लिक, वॉलंटियरली, कैजुअल, सीजनल, टेक्नोलॉजिकल, डिसगस्टिंग, क्रॉनिकल। और अब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट किस किस में हमने कैटेगराइज किया, एक है डिसगस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब है आप लोगों का फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, उसको कहते हैं जब आप लोगों के स्कूल और कॉलेज खत्म होते हैं फिर आप वेट करते हो आपको परफेक्ट जॉब मिले, उसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं जितनी आपकी काबिलियत है, अगर आप PhD हो आपको वो जॉब नहीं मिलता है फिर आप लोगों को और कोई अप्लाई करना पड़ता है, उसको फ्रिक्शनल स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ही होता है अगर किसी सीज़न में आपको मिलता है, फॉर एग्जांपल अभी एप्पल सीज़न है, उस गार्डन में आप लोगों को एक जॉब मिले फिर वो विंटर में ख़त्म हो जाएगा, उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसके बाद साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि जो वेरिएशन हो, टर्न बाय वाइज हो, एक सीजन में हो, एक उसमें साइकिल में हो, दूसरे साइकिल में ना हो, या अप में हो, डाउन में ना हो। अब जो ये टाइप्स है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इनको मैंने कैटेगराइज किया, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सबसे पहले ओपन अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं जिसमें लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इन्वॉल्व हो, उनको जॉब ना मिले। फॉर एग्जांपल प्रेजेंटली इंडिया में क्या कंडीशन हो रही है उसको हम कहेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लार्ज लेवल पे है। ये किसकी वजह से होती है, पॉवर्टी और इकोनॉमिक पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से होता है। डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का
मतलब होता है जहाँ पर सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो, लार्ज सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड में लोगों को काम ना मिले। किस वजह से ये होता है? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। और ये सबसे पहले रॉबिन्सन ने 1936 में ये टर्म दी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ही होता है, फॉर एग्जांपल अभी आप खेतों में काम कर रहे थे, बागों में काम कर रहे थे, वो काम ख़त्म हो गया, फिर आप विंटर में बैठ जाएंगे तो उस या इवन मंडियों में, सब्जी मंडी या एप्पल मंडी में लोग काम करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन जब ये ख़त्म होते हैं एप्पल फैब में तो उनको फिर काम नहीं मिलता है, उसको कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उनका साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट नॉर्मली होता है शॉर्ट रन फिनोमेनन के लिए। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हो लेकिन उनको जॉब नहीं मिला, या उनको उस लेवल का जॉब नहीं मिला जिस लेवल के लिए वो होते हैं, और वो प्रेफर्ड मोस्टली करते हैं वाइट कॉलर जॉब्स लेकिन उनको वो नहीं मिलते हैं, उसको कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है, अगर आप लोगों के पास यहाँ पर फ्लोरिश है, फॉर एग्ज़ाम्पल ICT, जब ये टेक्नोलॉजिकली इंडस्ट्रीज़ रिच है लेकिन आपको वहाँ पर जॉब नहीं मिलता है, या रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने बहुत लोगों को हटाया, या इंडियन सब कंटिनेंट में रिसेशन आ गया, उसके बाद इवन इंडिया में बहुत लोगों को निकाल दिया गया USA में, अदर कंट्रीज़ में जॉब से, उसको हम कहेंगे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब है आप लोगों का स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, उसको कहते हैं जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, उसको कहते हैं जहां पर अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर आप ट्वेल्थ लेवल का पोस्ट होगा उसके लिए आप फॉर्म भरेंगे, या आपने PhD कंप्लीट की फिर आप मतलब क्लर्किकल की पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, वी कॉल इट एज एन अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप डे टू डे लाइफ में कैजुअल लेबर्स लगते हैं या उसकी शॉर्टेज है, उसको कहेंगे हम कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। अब है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, उसको कहते हैं जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हो और पुअर्टी हो। उन चीज़ों से क्या हो जाता है कि अगर आप लोगों का पुअर्टी ज़्यादा हो तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, वो फीजेबल नहीं होते हैं, या पॉपुलेशन रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो तो उसकी वजह से भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता ही नहीं है तो पुअर्टी बढ़ती है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर एडजस्टमेंट बिटवीन सप्लाई एंड लेबर और डिमांड और लेबर में नहीं इक्वालिटी बनती है, लैक होगा, या तो वो ज़्यादा होगा या ये ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल सीजनल वर्क फोर्स की जरूरत पड़ती है किसी सीजन में, अगर आप देखेंगे जब यहां पर शाली काटने का सीजन होता है तो आप देख लीजिए कि वह फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि बहुत डिमांड होती है लेबर्स की, हमें मिल नहीं रहा होता। या अगर विंटर में देखिए बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे होते हैं, उनको कोई जॉब नहीं होता है, क्योंकि वो डिमांड और सप्लाई में वेरिएशन को ही हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब है व्हाट आर द मेजर रीजंस इसके अनएम्प्लॉयमेंट के। नंबर फर्स्ट, हायर ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन स्लो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ alternative employment opportunities, spreading of education, slow industrialization, poverty, modernization, faculty planning or social customs, decline of costage and स्मॉल इंडस्ट्री। जो इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डे बाई डे इंक्रीज होती है, 10.3% है अक्टूबर टू दिसंबर 2020 में, और उससे पहले 7.9 थी। ये जो सर्वे कलेक्ट करता है पीरियडिक लेबर का, ये NSO करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और बिसाइड अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होती है अर्बन एरियाज़ में, उसका भी मतलब इंक्रीज़ होता जा रहा है, 7.3% उसकी भी नीड बढ़ती गई 2020 में, और वो उससे पहले कितना था, 37.2% था 2019 में। काइन ने क्या कहा, काइन ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉज्ड बाई लैक ऑफ एक्सपेंडिचर्स विद इन एन इकोनॉमी विच डिक्रीज्ड एग्रीगेट डिमांड। अब देख लीजिए, अगर हम 2017 के आनवर्ड्स देखेंगे तो जितना हमारा एम्प्लॉयड मतलब टोटल वर्कफोर्स इंडिया में था वो कम होता गया। अगर आप देखेंगे 2017 टोटल एम्प्लॉयड कितने थे, 407.5 मिलियन, और ये डिक्लाइन हो गया एक साल बाद मींस 2018 में, ये पहुंच गया 406 मिलियंस, और उसके बाद 19 में ये पहुंच गया 400 मिलियन ईयर्स। उसके अलावा जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट भी थी वो भी डिक्लाइन हो गई। अगर जनवरी में देखेंगे 43.2% थी जनवरी 2019 में, 42.7% आ गई ये 2019 में। और इसको कौन सा ये करती है ऑर्गेनाइजेशन, NSSO,
ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जामिनर, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस उसको ऑर्गेनाइज करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ होता है। और लेबर पार्टिसिपेशन रेट उसको कहते हैं जहां पर एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमी में करंटली आपका एम्प्लॉयड होगा या जिसको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत हो। अब चंद इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए हैं इंडिया में। सबसे पहले इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP जो लॉन्च हुआ 1980 में, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट TRYSEM, ये स्कीम 1979 में हुई है और प्रायोरिटी किसको दी गई इस वाले स्कीम में, SC ST एंड वुमेन को। उसके बाद NREP जिसको कहते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP, और जवाहर रोज़गार योजना, ये तीनों जो स्टार्ट हुई है ये April 1, 1989 में हुई है। उसके बाद मनरेगा जिसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहते हैं 2005 में लागू हुआ, जिसमें 100 डेज वर्क मिलता है उसमें ब्लॉक ब्लॉक में। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKYVY वो लॉन्च हुई 2015 में स्किल डेवलपमेंट के तहत या स्किल इंडिया के तहत। उसके अलावा स्टार्टअप जो स्कीम होगी वो 2016 में हुई। और इस सब को देख के टोटल जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है वो टोटल 8% है, और मोर देन 90% इनफॉर्मल सेक्टर में एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं लोग। अब है कौन कौन से काज है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के। सबसे पहले हिंदुस्तान में आप लोगों ने देखा होगा कास्ट सिस्टम है। अगर कोई भी फार्म आता है, फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों का सब इंस्पेक्टर वाला फॉर्म आया होगा, आप उसमें देख लीजिए SC के लिए इतने पर्टिकुलर पोस्ट्स हैं, ST के लिए इतने पर्टिकुलर पोस्ट्स हैं, तो ऑटोमेटिकली जो मेन पॉपुलेशन होती है उसका शेयर होता है कम से कम 70%। और फिर हार्डली जो SC और अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं ST ST OBCs, उनका 30% शेयर होता है। लेकिन जब सीटों को काउंट किया जाएगा तो उनकी सीटें ज़्यादा होती है, उनकी 50% सीटें बनती है, और जो जनरल में फॉर्म डालते हैं उनका 70। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ता जाता है। अगर मतलब गवर्नमेंट को देना चाहिए, या तो वो जॉब पे ही उनको मतलब कोई स्कीम दे दे, या तो एजुकेशन पे, एजुकेशन में उनको फॉर एग्जांपल फ्री एजुकेशन करे, उसके बाद कास्ट जितने भी ग्रुप्स हैं उनको फिर एम्प्लॉयमेंट में नहीं देना चाहिए। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में भी जब देते हैं तो जनरल कैटेगरी वाले फिर सफ़र करते हैं। उसके बाद दूसरा सिस्टम है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट कम होगा, जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उससे भी हो जाएगा। और ये इवन 10th प्लान में 11.1% अनएम्प्लॉयड लोग यहाँ थे। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है वो सीजनल ही होता है, उसका भी और एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है, ज़्यादा लोग डिपेंडेंट होते हैं एक या दो लोगों पे, उस वो भी कारण बनता है अनएम्प्लॉयमेंट में। जो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो महात्मा गांधी ने कंसेप्ट दे दिया हाउस होल्ड इंडस्ट्री, वो तो हम भूल गए उस टारगेट को, हमने वो कंसेप्ट ही बुला दिया, जबकि चाइना ने वो डेवलप किया। और चाइना आज सेल्फ सफिशिएंट है, और पूरे वर्ल्ड को ये जितने भी आइटम्स मिलते हैं वो चाइना से ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो महात्मा गांधी जी का कंसेप्ट था स्मॉल स्केल एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़, उसको डेवलप किया। और जब इनका फॉल होगा, इनकी कमी हो जाएगी। पहले अगर आप देखेंगे कश्मीर में क्या शाल की इंडस्ट्री थी, कालीन की इंडस्ट्री थी, पेपर माशी थी, कांगरी की, तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होता था, अर्निंग होती थी। लेकिन वो जब कम कम होती गई तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से और एक रीज़न है, लेस सेविंग और एक रीज़न है, और काज है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो वो छोटी जॉबों को अप्लाई नहीं कर पाता है, ये भी एक रीज़न है। उसके अलावा है डिफेक्टिव प्लानिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे मैक्सिमम कॉलेजेस में आपके वैसे कोर्सेज हैं, सिर्फ पढ़ते हो आप लोग इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, बस सोशियोलॉजी, आप लोगों ने जेंडर देखा ही नहीं। और पर्शियन होता है फॉर एग्जांपल, फ्रेंच होता है, जर्मन होता है, जो मतलब टाइम की नीड थी ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ने की, लेकिन वो होता ही नहीं है कॉलेजेस में। तो डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी जितनी बढ़ती जाए उतनी ज़्यादा ज़्यादा क्या होते हैं लोग उसमें आते गए, उससे और एक प्रॉब्लम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ता जाता है। उसके बाद इनएडिक्वेट इरीगेशन फैसिलिटीज़ जो होती है वो भी एक कारण होता है, इमोबिलिटी ऑफ लेबर वो भी एक कारण है। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है, मैक्सिमम पॉवर्टी बढ़ जाती है, इलीगल एक्टिविटी होती है। अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल, मैं बार बार आप लोगों को कहते हैं, बहुत सारा यूथ आजकल ड्रग्स
की मतलब खरीद फरोख में जाता है, ट्रेड करता है उसका। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास, तो ऑटोमेटिकली वो उस फील्ड में जाते हैं। उसके बाद एंटी सोशल एलिमेंट्स और उभर जाते हैं उससे, ह्यूमन रिसोर्स उससे लॉस होता है, GDP डाउन होता है, सोशो इकोनॉमिक लॉस होता है। ये चीज़ें होती है कंसिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद अब इसको कैसे कम किया जाए, रिमेडियल मेजर्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स हमें यूज़ करनी चाहिए, पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना चाहिए, रिमूव बोटलनेक्स रिमूव करने चाहिए, एनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसको हाउस होल्ड इंडस्ट्री कहते हैं उसको डेवलप करना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी करनी चाहिए, रिकन्स्ट्रक्शन एजुकेशनल सिस्टम करना चाहिए। ये सब रिमेडियल मेजर्स है जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा मैं और एक टर्म दे दूंगा आपको जो फ्लिप्स ने दी, फ्लिप करो, उसने क्या कहा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ये जो इकोनॉमिक रिलेशन को रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से मिलाती है और फिर निकालते हैं। ये सबसे पहले ए विलियम फिलिप ने दिए हैं, जिसने इंडिकेट किया कि वेज जो होता है जब वो फास्टर राइज होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट लो हो जाता है। अब है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स। नंबर वन ऑब्जेक्टिव अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स किसको कहते हैं, ऑल द अबव आएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, विच इज डिवाइडिंग द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉय, उसको अनएम्प्लॉयमेंट जो मैंने पहले डेफिनेशन दी अनएम्प्लॉयमेंट की है। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए की इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, डैश इज अ सिचुएशन इन विच मोर पीपल आर डूइंग वर्क, तो डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स ये कंसेप्ट दे दिया पियोन ने दिया है। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट दैट कवर ऑकर्स ज्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग्स ऑफ एन इकोनॉमी एज पीपल चेंज जॉब्स एंड मूव अक्रॉस द कंट्री इज कॉल्ड, उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, जो ये अनएम्प्लॉयमेंट डेटा लेते हैं ये 12 इयर्स से ज़्यादा बच्चों को लेते हैं, तो ए पार्ट आंसर आएगा। व्हेन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ रिसेशन, उसको हम साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ए सेल्स मैनेजर ऑफ एन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लूजेस जॉब, उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ कॉइंड द टर्म डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, वो रॉबिनसन ने दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन ए पर्सन इज एम्प्लॉयड ऑन ए डे टू डे, उसको हम कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूस टू बी लॉन्ग टर्म, उसको हम क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू NSO इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 2020 में थी 10.3% थी। मनरेगा कब हुआ, 2005 में ये हुआ। प्रधानमंत्री कौशल्य योजना जो हुई 2015 में हुई। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन 2019 वो 400 मिलियन था। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हुआ था 1980 में हुआ था लॉन्च। डैश ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेजेस, वो फ्लिप कर्व कहलाती है।